केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशन के संयुक्त मंच के आह्वान पर प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में छोटी काशी मंडी में भी संयुक्त मंच के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। इस अवसर पर प्रदर्शन पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर कई आरोप जड़े। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशन के संयुक्त मंच के आह्वान पर प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में छोटी काशी मंडी में भी संयुक्त मंच के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। इस अवसर पर प्रदर्शन पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर कई आरोप भी जड़े। मंडी शहर में रैली निकालने के उपरांत रैली को संबोधित करते हुए सीटू के जिला सचिव राजेश कुमार ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक स्थानों को बेचने का भी आरोप लगाया। मैं राजेश कुमार शर्मा, सीटू का जिला सेक्टरी मंडी मध्य प्रदेश से। आज जो 8 जनवरी 2020 को अखिल भारतीय हड़ताल, इस हड़ताल के अंदर 11 जो बड़ी ट्रेड यूनियन हैं, इंटर के, एक्टर के, बीए, एक्टर के सीटू है ना, एचएमएस है, एलआईसी की यूनियन है, पेफी की यूनियन है, बैंक कर्मचारियों की यूनियन है, वो इस अखिल भारतीय हड़ताल को आयोजन किया जा रहा है। वो इस बात को लेकर के किया जा रहा है कि अभी जो केंद्र की सरकार है, उस सरकार ने जो श्रम कानून के अंदर जो चौड़ी श्रम कानून है उनको बदल करके उनको चार कानूनों के अंदर जो तब्दील किया जा रहा है, चार कोडों में तब्दील किया जा रहा है। और सरकार ने ये जो विनिवेश मंत्रालय खोल दिया है, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, LIC को बेचा जा रहा है, इंश्योरेंस को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, और रेलवे ये जो बेचने का कार्यक्रम है, और इंडियन ऑयल को बेचा जा रहा है, इसको सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने से रोका जाना चाहिए, निजीकरण को रोका जाना चाहिए, और श्रम कानूनों का जो बदलाव किए जा रहे हैं उस बदलाव को रोका जाना चाहिए। अगर उनको नहीं रोका जाता तो आने वाले समय में ये जो आंदोलन है, डेफिनेट तौर पर जो ट्रेड यूनियन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो जो अखिल भारतीय स्तर पर तय करेगी, उसको हम भी तय करेंगे। और आज मंडी जिला के अंदर, करसोग के अंदर, नीरी के अंदर, बाड़ी चौकी के अंदर, जोगिंदर नगर के अंदर, सरका घाट के अंदर और मंडी के जिला हेडक्वार्टर के अंदर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें हजारों हजार जो लोग हैं शामिल हो रहे हैं। अगर आने वाले समय में ये जो 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग है कि मजदूरों का जो वेतन है वो 21,000 रुपये मासिक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है और उसको महंगाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और जो ठेका प्रथा सरकार ने शुरू की है, ठेके पर कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए, सरकार परमानेंट भर्ती लोगों की करे और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय प्रजा सिंह। तो ये था दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हासिल होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।